अब बात करेंगे शुजालपुर से, शुजालपुर की, और यहां से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आग से ट्रैक्टर बाइक जलकर खाक हुए हैं। आग लगने के कारण का नहीं खुलासा हुआ है अभी तक, और कहा यह भी जा रहा है कि गैराज में ये वाहन खड़े थे और वहीं पर इन वाहनों में आग लगी। दुगदा गांव की ये पूरी घटना है। बताया ये गया है कि ट्रैक्टर और बाइक दोनों आग की चपेट में आए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं ये दोनों वाहन, जिसमें एक बाइक और ट्रैक्टर शामिल है। दोनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हैरानी की बात है कि जब गैराज में ये दोनों वाहन खड़े थे तो इनमें आग कैसे लगी, क्या किसी ने आग लगाई या किस तरह का यह मामला है, ये जरूर जांच का विषय है। संजय गोस्वामी ज्यादा जानकारी बेहतर दे पाएंगे। संजय, इस पूरे मामले के बारे में बताइए कि आगजनी हुई तो हुई कैसे, क्या कहा जा रहा है अभी तक? सुजालपुर से कुछ ही दूरी पर ग्राम दुगदा है, जहां अचानक रात को ट्रैक्टर ट्राली अच्छे खड़े हुए थे। ग्रामीण ने ताला लगाकर अपने घर की तरफ गया और रात को अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने की वजह से ट्रैक्टर ट्राली और उसमें कुछ पाइप रखे हुए थे मोटर के, वो पूरे जलकर राख हो गए। इसमें किसान राम प्रसाद का बहुत भारी नुकसान हुआ है। वैसे भी जातिगत राम प्रसाद ब्राह्मण है और गरीब किसान है, मतलब 4 लाख रुपए के समथिंग इनका नुकसान हुआ है और अभी तक आग लगने का पता नहीं लग पाया है। संजय, जानकारी किसने दी, या क्या सुबह आकर मालूम हुआ पीड़ित को, या पहले से किसी ने जानकारी दी कि यहाँ पर आग लगी है? मेरी बात दुगदा के सरपंच साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर आग लग चुकी है और किसान का बहुत नुकसान हुआ, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए समथिंग इनका नुकसान हुआ है और किसान बहुत गरीब है। संजय, पुलिस में दरख्वास्त दी गई है किसी तरह की? जी, पटवारी को भी इसका वो दिया हुआ है और अभी वो लोग पुलिस में भी दरखास्त देने वाले हैं। पटवारी को ग्रामीणों ने मिलकर लिखित में दिया हुआ है कि इनको इतना नुकसान हुआ और इसके मुआवजे की भी उन्होंने बात की है। यानी संजय, जांच का विषय है कि आग किस कारण लगी है, अभी तक कोई साफ नहीं हो पाया है। अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है, अचानक से आग लगी है जिसमें किसान की बाइक और ट्रैक्टर वगैरह सब जलकर राख हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया संजय, आपने जानकारी दी और बताया कि लगभग 4 लाख का नुकसान इस किसान का हुआ है। गरीब ये किसान और उसके पास बमुश्किल ये ट्रैक्टर ट्रॉली और कुछ वाहन थे, बड़ी मेहनत के साथ खरीदे गए थे, और ट्रैक्टर तो सभी को मालूम है कि खेती में कितना ज़रूरी है आज के दिन में, और इस्तेमाल करता था ये किसान भी ट्रैक्टर को खेती को लेकर, लेकिन अब नुकसान बड़ा हुआ है। अब कैसे भरपाई होगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जाँच का विषय है और जाँच होनी चाहिए कि आग लगी तो लगी कैसे।